मिलेगी पूरी की पूरी, साथ में आपको जो है ना सीट कवर ओरिजिनल वाला कवर कर दिया हमने अपने वजह से, तो काफी सही है, बहुत महंगा भी नहीं। कितने का गौरव? बस हमने से कुछ लुक ऐसा प्रोवाइड करते हैं, देख सकते हैं आप, ये ऑल शेप वाले हैं। देखो आपको समझ में आ रहा होगा इसके अंदर जो पॉइंट लगा रहे हैं, व्हाइट वाला पॉइंट ऊपर है और ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। ऊपर तो सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, धन अल्टी राइड भाई। तो काफी मस्त वीडियोस को हमने प्यार दिया, काफी मजा आया। और बाकी अब हम दोबारा आ चुके हैं दिल्ली, तो भाई दिल्ली आ गए तो काम भी दिखाना है आपको, क्या काम हम लोग करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास आ रखी है सुपर स्प्लेंडर, जो कि BS6.2 रहने वाली है, फेज 2 वाली। तो हम करने वाले उसको मॉडिफाइड, मतलब कि थोड़ा उसमें जो है ना एक्सेसरी का सामान लगाने वाले। बाइक कैसी रहने वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, खड़ी भी देख सकते हैं आप। बाइक आई है पालम से हमारे पास, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, नंबर हमें कुछ नहीं कराया, मतलब यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, बाकी पूजा वूजा करा के भैया सीधा यहीं पे लेके आए। और बाइक देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर में रहने वाली, ग्लॉसी ब्लैक में। फिलहाल बाइक ना बहुत तगड़ी रहने वाली है, तभी इसको सुपर स्प्लेंडर बोलते हैं, क्योंकि ये स्प्लेंडर से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि इसमें 125cc का इंजन मिल जाता है और काफी बड़ा इंजन देख सकते हैं, काफी मैसिव इंजन है। तो ये तो होगी बाइक। अब इसके अंदर सामान क्या क्या लग रहा है बताया, तो हमने यहाँ पे बल्ब फिट कर दिया है, चाबी दिखाना, चाबी है ये देखो, ये है अरे हटा दिया कंपनी वाला बल्ब, लगा दिए, चलो ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर कंपनी वाले बल्ब लगे थे, हेलोजन बल्ब, ठीक है, उधर लगा हुआ है। फिलहाल मैं आपको रिस्पॉन्स चेक कराता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, ये है कंपनी वाला बल्ब, ठीक है, जो कि हेलोजन रहने वाला है। ये थोड़ी सी बैटरी भी ज़्यादा लेता है, क्योंकि हेलोजन है, और एलईडी कंपैरिजन में अगर बात करें तो एलईडी जो है कम बैटरी लेती है। यहाँ देख सकते हैं एलईडी वाला बल्ब, ठीक है जी। तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया है, फिलहाल मैं आपको उसकी जो है विजन चेक कराया था, और थ्रो कैसा आने वाला ये देख सकते हैं आप, है रोशनी ज़बरदस्त वाली। तो इसमें एक तो इंडिकेटर लग गए, इसमें फ्लैशर लग रहा है, बोला नहीं लग रहा है, हैज़र्ड फ्लैशर ना, ठीक है। तो इसमें हैज़र्ड फ्लैशर लग रहा है भाई, उसके लिए वाइजर खोलना पड़ेगा हमारे को, तो वो हम खोल देंगे अभी। फिलहाल बाइक के अंदर और सामान क्या क्या लग रहा है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ रही है हमारी रॉड, इसके ऊपर आ रहा है प्रोटेपर, फिर यहाँ पे बहुत ही प्यारे आउल शेप वाले जो है हमारे फॉग लैंप आ रहे हैं, जो कि फ्लैशर प्लस डुअल टोन रहने वाला कलर, मतलब कि फ्लैशर तो मोड तो होगा इसके अंदर, प्लस आपको येलो व्हाइट की लाइट मिलने वाली है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, अभी हमारे फ्रेंड ने धनोल्टी राइड पे इसको वाले फॉग लैंप को यूज़ किया था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था रिस्पॉन्स, इस वजह से मैंने भैया को रिकमेंड यही करा कि आप भैया ये लगवाओ। और बाकी चार इंडिकेटर तो इसके अंदर लगाई दिए हमने, बल्ब दे सकते हैं मेरे हाथ में यहाँ पे दिखाने के लिए, ये वाला फ्लैशर इसके अंदर लगने वाला बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये कंट्रोल स्विच लगने वाला है मिंडा का ओरिजिनल, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए मिंडा ओरिजिनल, ठीक है जी। प्लस इसके अंदर नंबर प्लेट फ्रेम लग रहे हैं, सीट कवर आ रहा है, मैट फिनिश है काफी बढ़िया, मिंडा के D95 हॉर्न आ रहे हैं। तो ये सारा सामान इस बाइक में जा रहा है, अभी लेग गार्ड का देखते हैं, लेग गार्ड में लगेगा कि नहीं लगेगा, बाकी गाड़ी रेडी हो रही तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा। तो भाई यहाँ पर क्या है, बाइक को खोल दिया, इधर जो लग रहा है सीट कवर देख सकते हैं, फिनिशिंग दिखा देता हूँ आपको। देखो कोई आपको सिल बट नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, प्लस जो मैट वाला जो कवर है, ये जो मैट कवर है काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर जो है हमारी जो टैंक है वो गौरव बैठा रहा है, कंप्लीट बैठाने दो, एजेस पे जो इसकी बॉर्डर वॉर्डर लगाने दो, फिर जब उसके ऊपर लाइन वो हटाएंगे हम ऊपर वाली लेयर, वो आपको दिखाऊंगा, फिर फिट एंड फिनिश जो है वो बताऊंगा, दिखाऊंगा कि भाई कैसे है कैसे नहीं, आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज वो तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना ये ऊपर की लेयर हटा रहे हैं, और देख सकते हैं टैंक जो एकदम क्रिस्टल क्लियर निकल कर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं बबल फ्री टेप रहने वाली है, और कितनी ज़्यादा जो है ये टेप जो है शाइन कर रही है आप देख सकते हैं। 3D एनवलम के पास ही पता चलेगा कि यहाँ पे टेप हो रखी है, अदरवाइज आपको टेप दिखने वाली नहीं है। इस साइड से भी आप देख सकते हैं आप, ये देखिए, तो बहुत ही अच्छी जो है चमक निकल कर आई है, ये देखिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो भाई इसमें हॉर्न हमने फिट कर दिए, यहाँ पे देख सकते हैं मिंडा के D95, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे ऑल शेप वाले हॉर्न वो आ गए, फॉग लैंप यहाँ पे ऑल शेप वाले ना फॉग लैंप आ चुके हैं, जो कि ट्रिपल टोन काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल कनेक्शन के चल रहे हैं अभी। और बाकी हैज़ार्ड वगैरह के कनेक्शन हमने कर दिए, वाइजर खोलने के बाद दोबारा पैक कर दिया है, ठीक है ना। और बाकी दो कंट्रोल स्विच यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये वाला जो पासिंग स्विच है ये भी कंट्रोल स्विच में ही आता है बेसिकली। तो ये आपको अगर स्प्लेंडर बाइक में लगवाना है लगवा सकते हो, बाकी इस वाली बाइक में तो, इस वाली बाइक में तो कंपनी देती है, बट जो हम लगाते हैं उसमें आपको लाइट ऑन ऑफ करने का भी मिल जाता है, जो कि कंपनी से आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। रॉड यहाँ लग गई है, फॉर्म पैड लग जाएगा इसके ऊपर, अभी अभी जो है यहाँ पे फॉर्म पैड लगा रहे हैं देखो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो गया काम इसके अंदर, और बाकी भी सेट होना तो गाड़ी को, फिर मिलते हैं आपसे लास्ट में, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। जो जाने के लिए रेडी हो चुकी है, मतलब कि फुल इसमें जो भी सामान लगवाना था लग गया है सारा का सारा, बाइक कर दिया पैक, भैया खड़े हैं, बस फटाफट से मैं बाइक को आपको बाइक दिखा देता हूँ और फिर करते हैं वीडियो को एंड। मैं बता दूँ तो बाइक कुछ ऐसी रहने वाली है, अगर आप ऐसे देखोगे तो बाइक पे बिल्कुल भी आपको देख के लगेगा नहीं, मतलब इतना जस्टिस नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि बाइक में कुछ काम वैसा वाला हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब एक बोलेंगे चलान फ्री बाइक रहने वाली, चलान फ्री मॉडिफिकेशन बोलूंगा उसको मैं, काफी डिसेंट मॉडिफिकेशन हुई है। आप खुद देखो आपकी स्क्रीन पर बाइक दिखाई दे रही है, फ्रंट देखो कुछ इस तरीके से, ये फ्रंट का स्टांस रहने वाला है, यहाँ पे आपको दो फॉग लैंप दिखाई दे रहे होंगे, बस ये दिख रहा होगा आपको
इंडिकेटर को समझ में आई बातचीत, ना ही ऑयस के अंदर आपको कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा हो, वैसा कुछ उसमें काम वैसा करा है, तो काफी डिसेंट सा काम हुआ है। काम क्या क्या हुआ आपको बताया था, पहले तो हमने पेंट प्रोटेक्शन के लिए पूरी बॉडी लाइन पे ना स्मोक टेप लगाई है, इस पर देख सकते हैं आप, स्मोक टेप देखने को मिलेगी पूरी की पूरी। साथ में आपको जो है ना सीट कवर ओरिजिनल वाला कवर कर दिया हमने अपने वाले कवर से, ये भी ओरिजिनल रहने वाला है बट काफी अच्छी क्वालिटी का रहने वाला है मैट फिनिश में। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, जब आप बैठते हो तो आपकी हो वाइल्ड राइडिंग, तो आपकी जो पैंट की जो ग्रिप होती है या फिर बोलो बेल्ट जो होती है उसके वजह से जो यहाँ पे कई बार स्क्रैचेज आ जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है आप घर का सामान लेने निकलते हो तो उसके ऊपर देते हो तो यहाँ पे भी स्क्रैचेज आते हैं, तो इसके वजह से हमने टैंक पैड लगाया यहाँ पे, ये हाईली रिकमेंड है और प्लास्टिक का रहने वाला है, देख सकते हैं क्वालिटी और काफी अच्छा है, ठीक है ना। और दत्ता भी है देखो आप, मतलब इसके अंदर जो स्पेस है ना मतलब टूटेगा नहीं, काफी अच्छी प्लास्टिक रहने वाली है और काफी सही रहता है, मतलब कि पेंट प्रोटेक्ट और आपकी टेप की वजह से प्लस कोई सामान रखते हो तो वो भी आपका प्रोटेक्ट हो जाता है इसकी वजह से, तो काफी सही है। बहुत महंगा भी नहीं, कितने का गौरव? बस बताओ, कुछ भी महंगा नहीं है। तो फिलहाल बात करें यहाँ पे तो पूरी बॉडी लाइन जो है हमने टेप कर दी है, ठीक है जी। बात करें इधर तो यहाँ पे स्पाइडर वाले ग्रिप देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया देख सकते हैं आप, ठीक है। ग्रिप होगा यहाँ पे, बाकी अपना प्रो टेपर वाली यहाँ पे रॉड आ गई है, फॉर्म पैड लगा दिया, यहाँ पे कंट्रोल स्विच आ गए, ठीक है जी। कौन कौन से स्विच जो है, कौन से स्विच कैसे काम करते हैं आपको दिखाया था हूँ। चाबी ऑन करेंगे हम सामने, देखो फोकस, तो ये तो हो गया इसका फॉग लैंप का, देख सकते हैं आप, ये हो गया वाइट। अच्छा ऊपर नीचे दिखाई दे रही, वो ऊपर या नीचे, ठीक है ना, वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, रात में भी वो बता दिया हमने। ये येलो वाइट एक साथ जल रहे हैं, मतलब येलो भी है वाइट भी है, ठीक है जी। अब ये फ्लैश आ जाएगा, ठीक है। सामने से कुछ लुक ऐसा प्रोवाइड करते हैं, देख सकते हैं आप, ये ऑल शेप वाले हैं, देखो आपको समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर जो पॉइंट लगा रहे हैं वाइट वाला पॉइंट ऊपर है और येलो वाला नीचे, इसी वजह से ऊपर नीचे दिखाई दे रही है आपको लाइट ये वाली, ठीक है ना। बाकी इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, इसको ना आप ऐसे करके ये देखो, जैसे मान लो सपोज करो ये है लाइट, अब आपको रात में ऊपर करनी तो ऊपर कर देते हो, ये अभी मैं इसको इक्वल कर देता हूँ, ये देखो भाई कॉन्ट्री में थोड़ा सा लग रहा होगा तो बदल गए, ठीक है ना। तो ऐसी लाइट जो इसकी रहने वाली है, ये आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और बाकी तो इसमें देखो स्टार वाला वो लगता है स्क्रू ड्राइवर, ये देखो स्क्रू ड्राइवर लग जाए चार चार मुंह वाला, तो उससे आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो खुद भी। और बाकी यहाँ पे हॉर्न की बात सुन लो, इसके अंदर हॉर्न आ गए, ठीक है जी। और बाकी सीट से टैंक पे ना हम पहुंचे, इसलिए हमने लगाया यहाँ पे फॉर्म पैड, देख सकते हैं। अच्छा सुपर स्प्लेंडर के अंदर लगते हैं दो फॉर्म पैड, स्प्लेंडर में लगते हैं एक फॉर्म पैड, क्योंकि इसकी टैंक थोड़ी सी ज्यादा बड़ी रहती है इस वजह से। और दो यहाँ पे वो आ गए बटन, तो एक बटन से तो फॉग लैंप हमारा ऑपरेट हो रहा है, एक बटन से हमारा इसमें हैजार्ड फ्लैश लगाया हमने, देख सकते हैं आप, मतलब जो कंपनी के जो इंडिकेटर है उन्हीं के अंदर हमने जो है ना बल्ब लगाया है, और फंक्शन जो ये कर रहा है उसकी वजह से हैजार्ड फ्लैश लगाया, जो मैंने आपको दिखाया था हैजार्ड फ्लैश। तो ऐसा उसके अंदर काम हुआ है, काम बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है। भैया जिनकी बाइक रहने वाली, उन्होंने बोला कि यार मेरे को वीडियो में नहीं आना, इसी वजह से मैं उनको वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसा हुआ है काम, बहुत मिनिमम से काम हुआ है, काफ़ी डिसेंट काम हुआ है और टेस्टफुली काम हुआ है, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी कर दी है। ऐसी आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पर कमेंट करना पड़ेगा इस वाली वीडियो पे कि मुझे कैसे आपको ये वीडियो कैसे लगा ये काम। बाकी बात करें दुकान रहने वाली दिल्ली में कालका डीडी फ्लैट में, नंबर मिल जाएगा सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी आप यहाँ पे आओ, अपने अकॉर्डिंग जो अपनी बाइक को मॉडिफाइड कराओ, कस्टमाइज कराओ, जो भी आप कराना करा सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।